हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोनिकास कुकिंग के न्यू रेसिपी वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं शादी में बनने वाले गाजर के हलवे को बहुत आसानी से घर पर बनाने जा रही हूँ। तो चलिए गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए लगभग मैंने 2 किलो गाजर ली है। गाजर को सबसे पहले पानी में धो लेंगे। सभी गाजर अच्छे से धुल चुकी हैं। चलिए इन्हें छीलना शुरू करते हैं। गाजर अच्छे से छिल चुकी हैं। चलिए इनको कद्दूकस करना शुरू करते हैं। गाजर को कद्दूकस करने के लिए मैंने इस तरह का कद्दूकस लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कद्दूकस ना हो तो आपके पास जो कद्दूकस हो आप उससे गाजर कस सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी गाजर कद्दूकस हो चुकी हैं। चलिए हलवे का आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो कसी हुई गाजर, 400 ग्राम चीनी, 250 ग्राम मावा, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 2 ग्राम इलायची पाउडर, 50 ग्राम देसी घी, 1 लीटर दूध। तो चलिए गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले काजू और बादाम को हल्का फ्राई करेंगे। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। घी को हल्का गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे काजू। काजू हल्के फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसमें डालेंगे बादाम। ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे कसी हुई गाजर। गाजर को घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे दूध। दूध को गाजर में अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे और दूध में गाजर को अच्छे से पकने देंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसे लगभग 25 मिनट ऐसे ही पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूध में गाजर कितने अच्छे से पक रही है। पच्चीस मिनट हो चुके हैं, गाजर दूध में अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसे ऐसे ही 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, चीनी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे मावा। मावा को अच्छे से मिक्स करेंगे। मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए काजू और बादाम। बादाम को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। गाजर का हलवा बनकर तैयार है। चलिए इसे गरम गरम सर्व करते हैं। गैस को कर देंगे बंद। मावा और ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, शादियों में बनने वाला गाजर का हलवा बनकर तैयार है। इसे मैं एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ।
आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पसंद का कोई भी रेसिपी वीडियो देखना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो देखिए साइड में मेरे अकाउंट शो हो रहे हैं, आप मुझे वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।